फ्रेंड्स, मैं प्रणीता सावंत आपका द सावंत किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी छोले मसाला। आप इसे ब्रेकफास्ट में भटूरों के साथ भी खा सकते हैं या फिर लंच और डिनर में चपाती और चावल के साथ भी खा सकते हैं। पंजाबी छोले मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी उबले हुए छोले, तीन बड़े प्याज बारीक कटे हुए, दो बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, एक चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन, दो मिर्चें स्लाइस की हुई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच आमचूर पाउडर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दो बड़े चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, और यह है कुछ गरम मसाले जिन्हें हम भूनकर पीस लेंगे, दो तीखी वाली लाल मिर्चें, दो तेज पत्ते, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा, एक चुटकी अजवाइन, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक छोटी हरी इलायची, चार काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, जरा सी जावित्री और दो लौंग। सबसे पहले हम इन गरम मसालों को भून लेंगे। पहले हम डालेंगे ये साबुत धनिया और इसे जरा सा भून लेंगे। अब हम एक एक करके तेज पत्ता छोड़ के बाकी के सारे मसाले इसमें डाल के इन्हें अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इन्हें निकाल के सूखा पीस लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। एक पैन में हम तेल गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चें और साथ ही में ये प्याज, और हम प्याज को अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे। ये प्याज अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे ये तेज पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ ही में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये जल्दी और अच्छे से पक जाए। टमाटर गलने के लिए हम इसे 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। ये टमाटर अब गल चुके हैं, अब हम इसमें ये सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, और ये पीसा हुआ गरम मसाला, ये है तकरीबन 2 छोटे चम्मच, और तेल छूटने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इनका तेल भी निकल चुका है, अब हम इनमें डालेंगे ये छोले और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी डाल लेंगे, ये उबले हुए छोले का पानी है। हम इसे 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने देंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे नमक। हमने छोले उबालते समय और टमाटर में भी थोड़ा नमक डाला था, तो अब हम इसमें जरा सा ही डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और पैन को ढक लेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये छोले अब अच्छे से पक चुके हैं और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो चुकी है। अगर आपकी ग्रेवी पतली रह जाती है तो आप कुछ छोलों को इस तरह से मैश कर सकते हैं जिससे आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। ये छोले तैयार है, अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म पंजाबी छोले मसाला खाने के लिए तैयार है। आप इसे पूरी
भटूरे या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब पेज पे। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे द सावंत्स किचन इमेज पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।